खेती से जुड़ी नई जानकारी के लिए कृषि फ्लाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कृषि फ्लाई पे। दोस्तों, आज मेरे प्लॉट पर फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे चल रहा है। ये स्प्रे फ्रूटिंग के दौरान करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके फलों को और आपके पेड़ों को और उसके साथ ही जो उसके ऊपर जो फ्लावरिंग है उसको कीड़ों का या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो। इस चीज़ के लिए आपको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं मेरे पेड़ों पर स्प्रे कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा जो पहला पंप था वो बैटरी पर चलता था और उसका जो पावर था बहुत कम था। तब मेरे पेड़ भी छोटे थे इसलिए मेरा उस पंप से काम हो जाता था, लेकिन अब मेरे पेड़ बड़े हो चुके हैं तो इस वजह से मुझे अब बड़ा पंप लग रहा है। इसके लिए मैंने एक पेट्रोल वाला पंप लाया जिसका प्रेशर बहुत अच्छा है और उसकी वजह से स्प्रे भी बहुत फास्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मेरे प्लॉट पर फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे चल रहा है। दोस्तों, ये है मेरा पेट्रोल वाला पंप। दोस्तों, इस पंप का प्रेशर बहुत ही अच्छा है और आपके पेड़ों को ये ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से भिगो देता है। आप देख सकते हैं अभी हम हमारे पंप के अंदर फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का सोल्यूशन डाल रहे हैं। ये पंप के अंदर सोल्यूशन डालने के बाद हम इससे स्प्रे करेंगे अपने पेड़ों पर। ये 20 लीटर्स का पंप है। अब हम इसके कैप को बंद कर देते हैं अच्छे से ताकि जो सोल्यूशन है लीक ना हो। दोस्तों, आप कोई भी तरीके का फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं अपने आम के पेड़ों पर। इसके लिए मैंने एक डिटेल में अलग से वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हम अपने पेड़ों पर स्प्रे कर रहे हैं। और ये वीडियो मैं बहुत पहले डालने वाला था लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं नहीं डाल पाया था। तो बस आपको एक अपडेट देने के लिए मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और इस पंप से जो प्रेशर आता है वो बहुत ही बढ़िया है और जब आपके पेड़ बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद बैटरी वाला पंप आपके पेड़ों पर काम नहीं करेगा, तो इसलिए आप पेट्रोल वाला पंप यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं किस तरीके की फ्लावरिंग आई है मेरे पेड़ों पर। इस साल बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आई थी मेरे पेड़ों पर। आप पंप का प्रेशर देखिए, इस पंप से आप 15 फीट तक स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें दो फीचर है, अगर आप पंप का प्रेशर दूर तक ले जाना चाहते हैं तो आप उसको प्रेशर बढ़ाकर आपका पंप का जो प्रेशर है वो 15 फीट तक जा सकता है। अगर आप अपने पेड़ों पर पास में खड़े होकर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप उस प्रेशर को कम कर दीजिए और जो स्प्रे आएगा वो एक छतरी के आकार में आएगा और आपके पेड़ों को अच्छे से भिगो देगा। दोस्तों, इस पंप से आपको पेड़ पर एक ही बार में पूरे पेड़ को भिगाने की ताकत मिलती है और आपके पेड़ों पर जो भी इंसेक्ट्स या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आपके जब पेड़ बड़े हैं तो आप हाई प्रेशर वाला पंप यूज़ कीजिए ताकि आपका टाइम भी बचेगा और स्प्रे भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। और दोस्तों, रही पेट्रोल की बात, तो इस पंप में मैं 1 लीटर पेट्रोल और टूटी ऑयल 40 ml टूटी ऑयल डालता हूँ और 1 लीटर पेट्रोल में मेरे 2500 पेड़ों का स्प्रे आराम से हो जाता है। बाद में जब दोस्तों जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो शायद 1 लीटर के ऊपर थोड़ा पेट्रोल लग सकता है, लेकिन फिलहाल 1 लीटर में मैं मेरे 2500 पेड़ों पर आराम से स्प्रे कर देता हूँ। तो ये आप ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है और आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको रेगुलर इंटरवल पर अपने पेड़ों को स्प्रे करना है ताकि आपके पेड़ों को कोई फंगल डिजीज़ या फिर कोई इंसेक्ट से कोई बीमारी ना हो। इसकी वजह से आपके पेड़ हेल्दी और फिट रहेंगे और आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। दोस्तों, मैं जल्दी ही इस पंप के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इस पंप के सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा और कैसे ये पंप काम करता है, कैसे इसको स्टार्ट करना है, इसकी सारी डिटेल्स मैं अलग से बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मैंगो फार्मिंग से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।